भाई यहाँ पे पब्लिक डिमांड चल रही है उइली के लिए। उइली तो पक्का उइली देखना बच्चे लोग, मैं तुम्हारा डिमांड देख रहा हूँ। एक नंबर तुम्हारा व्यू चेक करो सामने का पूरा, एक तरफ पतला रास्ता एक तरफ नदी और बीच में तुम्हारा भाई रॉक को लेके जा रहा है। राज भाई की गाड़ी पे लगने वाला है एग्जॉस्ट। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, इट्स शुभम रॉक ब्लॉग्स। हमेशा कहते रहो तुम्हारा भाई आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज भी हमारा होने वाला है मोटो ब्लॉग। मैं तुमको बता दूं आज है संडे, क्या बना तेरा माउंट लगा ले वहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे अपना बाइक को कॉल स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे को ये लोग सुबह से फ़ोन करके यहाँ पर तंग कर दिया, और तुम चेक करो तुम्हारे भाई का घर और तुम्हारा भाई हो रहा। चल मेरे रॉ फुल और अभी चलते हैं। संडे राइड ही तुम समझ लो, क्योंकि हर संडे का तुम लोग जाते हैं ये ब्लॉग बनाने। पिछले वीडियो पे सुपर बाइक था डायटोना, तो भाई लोग आने वाले हैं अभी, उनको भी रील्स वगैरह शूट करना है। ऊपर से मेरे को अपना ब्लॉग्स बनाना है, मेरा रील्स बनाना है। संडे को एक ही दिन मिलता है अपने को ब्लॉग बनाने का, प्लस टू फाइनल ईयर है, तो अभी मेरा एग्जाम वगैरह होने वाला है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं हर संडे को ही ब्लॉग बनाऊँ। 75% अगर तुम्हारा अटेंडेंस है तो तुम्हारा पास होगा, अच्छा मार्क आएगा। मेरे को खुद ही को ही पेट्रोल डलवाना पड़ेगा बाइक पे। कहीं डलवाएंगे तुम्हारा भाई से बड़ा गरीब कोई नहीं है, सिर्फ सोए का पेट्रोल डलवाएगा। तभी चलते हैं पूरा फुल पावर इंडियन ऑयल, क्योंकि वहाँ पर सारा राइडर स्ट्रॉन्ग है। यूट्यूब पे तो सपोर्ट करते ही हो, इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट थोड़ा दिखा दो। बहुत तगड़ा तगड़ा तुम्हारा भाई रील्स वगैरह अपलोड कर रहा है, जाकर तुम फॉलो कर लो। फॉलो करने में क्या चला जाएगा यार, आजकल तो कोई फॉलो भी नहीं करता। दो फॉलोअर्स बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, 10 घट जाता है साला। ऊपर से इतना मेहनत करके रील्स अपलोड करो, जो बंदे कुछ भी डाल देते हैं ना इंस्टाग्राम पे आके हक देते हैं, उनका रील्स वगैरह वायरल हो जाता है, उनका फॉलोअर्स बढ़ जाता है। और जो बंदे ना पूरा क्वालिटी वाले मेहनत करते हैं, घंटा कुछ नहीं बढ़ता। बस आज एक नॉर्मल राइड पे जा रहे हैं, क्योंकि सबको बनाना है रील्स वगैरह। देखते हैं यार नेक्स्ट ईयर अगर प्लान होगा तो अपन भी एक अच्छा सा मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक लेंगे। मेरे लिए तो ये स्पोर्ट्स बाइक यार, मैं एक सच बताता हूँ ना गाइस, मेरे को अपना रोन है, मेरे को जितना नाम वगैरह पहचान दे रहा है ना, मतलब जितना पहचान और जितना नाम दिया है ना, मतलब ये बाइक से मेरा अलग ही इमोशन है यार। इस पर ना मैं जितना भी रील्स वगैरह मैं जितना भी इस पर बनाया हूँ, हर वीडियो पर ना के पे यूज़ गया है, जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मेरा रॉ मतलब सबसे अलग है यार, कुछ बोलो, कोई बंदा बोलता है छोटा गाड़ी है वो तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा रॉ मेरे लिए मेरी रानी है, मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब मैं इसके ऊपर जितना भी पागल हो रखा हूँ ना, किसी के ऊपर इतना पागल नहीं हो रखा हूँ। मैं तो पूरा आराम से जाऊँगा, क्योंकि मेरे को स्पीड जाना नहीं है, आराम से मेरे को अपना मोटो ब्लॉग बनाते बनाते जाना है। मैंने आईफोन लेके आ रखा हूँ भैया का, तो अभी चलते हैं। और गाइस यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता है, और जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, मेरे को पता था कि आगे एक छोटा सा मार्केट आने वाला है, तो वहाँ पे मैं अपना बाइक को स्लो कर लेता हूँ, और मेरे को पता नहीं होता कि सामने से कुत्ता है। सामने से ट्रक आ रहा है, कुत्ता जैसे रोड क्रॉस करता है फिर वापस वो रिटर्न आ जाता है, और मेरा गाड़ी ज़्यादा स्पीड में था और मेरा बाइक पे कुत्ता क्रैश हो जाता है पूरा। यार गाइस मेरी गलती कोई नहीं थी यार, कुत्ता बीच में घुस गया, इसमें मेरी थोड़ी गलती थी यार। लगता है कुत्ता वहीं पे स्पॉट हो गया। शिट 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 शिट, ओम नमः शिवाय। यार बाइक में कुत्ता ठुक गया, अच्छा मेरा गाड़ी कंट्रोल हो गया यार। क्या सीन हो रखा है गाइस, देखना पड़ेगा। ये अरे वीडियो क्लिप देखो जरा गंदा ही चीज ने काना बदला दे भाई, और तेरा उसमें लग गया मेरे गाड़ी का पोर्ट। नहीं 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 गाड़ी नहीं लगा है, कुत्ता ही लगा है। रुको एक बार वीडियो क्लिप चेक करते हैं। मेरा गाड़ी ज्यादा स्पीड पे भी नहीं था, बस मैं थोड़ा सा तीसरे गियर पे गाड़ी लगा और नॉर्मल सा मैं लेके जा रहा था,
मैं अभी ये सारा फुटेज वगैरह देखा, सारा फुटेज वगैरह चेक किया, तो सामने से जो था ट्रक आ रहा था, सो सामने से ट्रक आ रहा था, कुत्ता जैसे रोड क्रॉस कर रहा था, जैसे मैं गाड़ी लेके गया हूँ, मेरा गाड़ी ज़्यादा स्पीड भी नहीं था, 40-50 के आसपास मेरा बाइक था, और जो कुत्ता है ना गाइस, मतलब मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे कुत्ता मेरे गाड़ी में फट करके आ गया। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं अपने हिसाब से जा रहा था, कुत्ता फट करके मेरे गाड़ी में घुस गया और गाड़ी उस पर लगा और गाड़ी बहुत तगड़ा बबलिंग हुआ। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा गाड़ी इतना कंट्रोल कैसे हुआ मेरे हाथ से। और गाइस एक चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे हाथ से कुत्ता का लग गया, मतलब कुत्ता को एक मैं ठोक दिया यार, जो कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। उस पर मेरी गलती नहीं थी यार, मैं अपना आराम से मैं अपना गाड़ी लेके जा रहा था, कुत्ता फट करके गाड़ी में घुस गया। सुबह सुबह मतलब एक कुत्ता को मतलब ऐसे ठोकना बेकसूर को मानना अच्छी बात नहीं होती। मैं वहाँ पर रुकने का कोशिश किया, मैं वहाँ पर रुकता बट मैं नहीं रुका, मैं पीछे से बस ऐसे मोड़ के देखा तो रोड पर पड़ा था। और मेरे को ना गाइस मैं जानबूझ के वहाँ पर नहीं रुका, मेरे फ़ोन पे रिचार्ज वगैरह भी नहीं है और अपने ग्रुप के जितने मेंबर्स वगैरह सब आगे चले गए, मार्केट वगैरह था और गांव का साइड था, तो मैं वहाँ पर नहीं रुका क्योंकि अगर पब्लिक वगैरह अगर कुछ बोलते बंदा तेज चला रहा था ये वो चला था बेफालतू लफड़ा हो जाता, वही चक्कर में वहाँ पर नहीं रुका और मैं डायरेक्ट हम अपने ग्रुप के जितने बंदे लोगों के पास चलाया। और अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं तो चाय वगैरह पी रहे हैं। अभी अपन यहाँ से जब रिटर्न जाएंगे तो मैं एक बार वहाँ पर अच्छा सा देख के जाऊँगा कुत्ता बचा ना बचा, और वहाँ पर बंदे लोगों को पूछेंगे क्या सीन हो रखा है, कुत्ता बचा या ना बचा। A few moments later. So guys, आयरन रेडर्स को आगे चले गए, अभी तुम्हारा भाई अकेले बचा है तो अभी चलते हैं अपन भी, क्योंकि मैं रील्स वगैरह बना रहा था ना इसीलिए। मेरा मोटोब्लॉग सेटअप जो सा है तो मेरा मोबाइल मोटोब्लॉग सेटअप है, तो वही चक्कर में मेरे को वाइड एंगल लेंस वगैरह लगाना होता है, तो माइक वगैरह चेक करना पड़ता है, माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है हर चीज़ देखना पड़ता है, फिर जाके तुम्हारे भाई का ब्लॉग बनता है। अगर GoPro होता तो तुम्हारा भाई फट करके बना देता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब लोग बेलगांव क्योंकि नाश्ता वगैरह करने है, क्योंकि कोई नहीं खा रहा है सुबह से, बस हम लोग जाके चाय वगैरह पिए। ये तो गाइस ये चेक करो इधर तालाब वगैरह, विवेक नहाएगा क्या कि सुबह से नहा लिया है? नहीं नहाना भाई, तो ब्रश भी नहीं किया मेरे को जो लगता है ब्रश ही नहीं किया होगा। अभी देखते हैं खाएंगे, यहाँ पे भूख तो बहुत तगड़ी लग रही है, सुबह से नाश्ता नहीं किया है, संडे राइड है। व्यू चेक करो यार, पहाड़ वगैरह मस्त लग रहा है ना। अभी चलते हैं नीचे से सबके पास जाकर बैठ के देखते हैं। गाइस चेक करो भाई, खुद अपने पास लेके आ रखे हैं ये सब, देख लो अपने लिए इतना मेहनत करके। थैंक यू भाई, थैंक यू, इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू दा, थैंक यू। अभी चेक करो, अभी हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं पूरा फुल पावर, तो गाइस अभी यहाँ पर फुल पावर खाते हैं। बोआ केन गाड़ी ओके हो जा, सबको बोल कान लाला केन गाड़ी, बोआ केन गाड़ी बोल दाउ छे, गाड़ी तो अन्य गाड़ी में सब डीजे न छे किंदु ये सिद्धू भाई एक नंबर ओनर सिद्धू भाई, तुम्हार गाड़ी तारी बोजो तुम ने का करजो, ये गाड़ी एक चक्कर चलसी बोआ गुटे चक्कर हां देखो भाग देखो जल्दी ये रिएक्शन रिएक्शन बनवा रिएक्शन वीडियो वोली वोली नॉर्मल वोली भाई, यहाँ पे पब्लिक डिमांड चल रही है वोली के लिए। सुनील भाई गुटे वोली, बच्चे लोगों का बहुत डिमांड है वोली, तो पक्का वोली देखना मारियो मारियो, बच्चे लोगों का तुम्हारा डिमांड देख रहा पब्लिक का, अब यहाँ पे वोली दिखाते हैं। एक नंबर तो अभी यहाँ पे नहाता है गाइस, बहुत धूप हो रही है और बहुत गर्मी लग रहा है। अभी हम लोग जो अपना बेलगांव ब्रिज है, एक और जो सा ब्रिज है जो सा ब्रोकन ब्रिज होता है आज टूट रहा है, अभी हम लोग वहाँ पे आके फोटो क्लिक कर रहे हैं। चलो चलो डगा डगा। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर नहा चुके हैं, तो अभी तुम लोग ये चेक करो, हम लोग वहाँ पर पानी वगैरह बहुत नहाए, यहाँ से डिगा है, मैं भी डिगा यहाँ, तो अभी यहाँ से निकलते सारा बाइक से अभी निकल चुका है। तो मैं तुमको आते समय यहाँ का रास्ता नहीं दिखाया, तो तुमको जाते समय दिखा रहा हूँ, तुम्हारा व्यू चेक करो सामने का पूरा। तो यहाँ से केयरफुल निकलते हैं हम लोग, क्योंकि रास्ता बहुत ऑफ रोडिंग है, यहाँ से देख रहे हो
पूरा अल्टीमेट वाला रास्ता है। तो अगर पहला गियर पर गाड़ी रख के लेके जाना पड़ेगा, एक तरफ पतला रास्ता, एक तरफ नदी और बीच में तुम्हारा भाई रॉक को लेके जा रहा है। ये चेक करो, तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। सो गाइस अभी लिंगराज भाई की गाड़ी पे लगने वाला है एग्जॉस्ट, तो इसके अंदर एग्जॉस्ट है ब्रांड न्यू। तभी हम लोग लगाएगा पूरा फुल सिस्टम, फुल सिस्टम। तो ब्रेक फायर मारेगा कि नहीं मारेगा? पूरा इनलीगल दबा बन जाएगा, दबा बन है रोला। ये चेक करो यार, गाड़ी बेस्ट्री गाड़ी है, नो फॉल फास्टेस्ट भाई, नो सेंसर, वर्ल्ड बेस्ट भाई। ये चेक करो, देख रहा गाड़ी कितना ग्राफिक करके कस्टम किया गया है। मैं दुनिया दे ओपोजिट चलदा ते पैर दे चलदा या डेथ दे।